Assembly of class. Today we will discuss image location by lens equation. इससे पहले जो previous हमारा lecture था उसमें हमने देखा था कि image formation कैसे होती है through lenses, जिसमें हमने convex lens image formation को काफी detail में पढ़ा था कि उसको जो है focal length और between the focal length, between double of the focal length और इसी तरह different distances पे object रखकर हमने देखा था कि किस तरह से आपकी image की formation होती है. और आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो आपका इमेज आप उस इमेज को लोकेट कैसे करते हैं. अगर यू वांट टू नो एनी डिटेल्स अबाउट योर इमेज तो हाउ यू कैन फाइंड आउट दैट, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द लेंस इक्वेशन, जो कि एक फॉर्मूला होता है. उसकी हेल्प से हमें सारी जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हमारी इमेज से रेलेवेंट, उसका साइज, उसका डिस्टेंस, वो रियल है या इन्वर्टेड है, वो उसके लिए हम यूज करते हैं लेंस इक्वेशन. दैट्स व्हाई हम इस टॉपिक को बोल रहे हैं इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन. सो फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड स्टेटमेंट ऑफ लेंस फॉर्मूला. हम देखेंगे, स्टेट करेंगे उसको, फिर उसकी इक्वेशन जो है मैथमेटिकल वो लिखेंगे. और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, लेंस फॉर्मूला या इक्वेशन तो बहुत ईजी है उसको लिखना, लेकिन उसे अप्लाई कैसे करना है ये डिसाइड करना होता है हमने थ्रू आर स्टेटमेंट्स न्यूमेरिकल्स के अंदर. तो उसमें साइन कन्वेंशन मीन आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के साथ कौन सा साइन रखना है, उसे पॉजिटिव कंसिडर करना है या नेगेटिव, उसके लिए साइन कन्वेंशन का यूज होता है. सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज के टॉपिक का साइन कन्वेंशन है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा साइन यूज करना है. तो लेट अस एक्सप्लेन द इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन. इसको देखते हैं हम सबसे पहले. ये सिंपल फिगर है जो हमने पहले भी डिस्कस की है. दिस इज अ कन्वेक्स लेंस और दिस इज ऑब्जेक्ट नेम्ड एज OP. और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज यहाँ पे बन रहा है राइट साइड पे, दिस इज O-P-. तो साइन कन्वेंशंस को भी आपने इसी तरह माइंड में रखना है कि आपके लेंस की दिस इज राइट साइड जहाँ मैं अभी पॉइंट कर रही हूँ एंड दिस इज इट्स लेफ्ट साइड. तो इस राइट और लेफ्ट की बेसिस पर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और इसी तरह फोकल लेंथ और रियल इमेज, वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि इनके लिए साइन कन्वेंशन क्या होंगी. तो ये जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने स्टडी किया था कि इमेज फॉर्मेशन एक्चुअली में कैसे होती है. लाइट रे, फर्स्ट लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इट मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर पासिंग आउट ऑफ द लेंस इट रिफ्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एंड पास थ्रू द फोकल पॉइंट. और फिर यहाँ पर आकर यहाँ से मूव करती है और सेकेंड रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड मीट दिस रे प्रीवियस वन के साथ मीट करती है और दोनों मिलकर एक बल्कि थ्री रेज होती है. मेन हमने थ्री प्रिंसिपल रेज पढ़ी थी. तो ये सारी रेज मिलकर एक इमेज जो है कॉन्वेक्स के केस में इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनाती है. तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होता है और दिस इमेज इज ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस. तो इस राइट एंड लेफ्ट की रिस्पेक्ट से हम साइंस जो है कि पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव उसका डिसीजन करते हैं. तो यहाँ पर आपके पास जो लाइट रे है पी आर, ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे है मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फिर ये रिफ्रैक्ट होगी आर पी आर एफ को, ये सारा जो पास ट्रेस हुआ आर पी डैश और इमेज बनाएगी ओ डैश पी डैश. तो यहाँ पर जो डिस्टेंस की बात है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, एक्चुअली आपके पास डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड ऑब्जेक्ट. ये देखिए कि यहाँ आपका ये लेंस है, इस लेंस की किस पॉइंट पे जाके आपका ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है इसको हम डिस्टेंस पी का नेम देते हैं. यहाँ पे ये मार्क हुआ है. तो आप इसको आपने याद रखना है हमेशा फिजिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस को पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह हम जो इमेज का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द लेंस, ये देखिए इस एरो से ये मार्क हुआ है, ये आपका जो इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू. क्यू से इसे हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर हमने साइन कन्वेंशन देखनी है कि आप तो हम इन्हीं को देखेंगे कि आपका पी जो है वो पॉजिटिव होगा या क्यू पॉजिटिव होगा या क्यू नेगेटिव है या आपका ये जो पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव. तो इसको हमने फोकस करना होता है टू फाइंड आउट द डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट आर इमेज फॉर्मेशन. सो आप उसको विद द हेल्प ऑफ लेंस इक्वेशन कर सकते हो. लेंस इक्वेशन के अंदर जो है वो हम इन तीन चीजों का रिलेशनशिप देखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी का एंड इमेज डिस्टेंस क्यू एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. सो हम देखते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला और आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमें क्यों चाहिए ये लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन. Because we want to know about the information of image formed by our lens.
और वो हम देखना चाहते हैं कि किस तरह की होगी, हमारी रियल है, इरेक्ट है, इनवर्टेड है, तो उस सारी चीजों को हम लेंस फॉर्मूला टूल की हेल्प से जो है सॉल्व करते हैं। तो ये आप देखें यहाँ पर पी इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्यू इज द इमेज डिस्टेंस एंड एफ इज द फोकल लेंथ। तो यू कैन स्टेट दिस फॉर्मूला एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस एंड फ्रॉम द लेंस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ या इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ। इन दोनों डिस्टेंसेस को हम इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और रेसिप्रोकल की फॉर्म में हम इनको लिखते हैं। दिस इज आवर लेंस फॉर्मूला, जो आपके पास एक साइंटिफिकली प्रूफ एक फॉर्मूला है कि आप इसकी हेल्प से इमेज फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। और दिस इक्वेशन ऑफ द लेंसेज इज ट्रू फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स, दोनों में कनकेव लेंस की जो कैलकुलेशन है या कनकेव आपकी कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों की कैलकुलेशन के लिए हम इसी लेंस इक्वेशन का यूज करते हैं। बस हमने यहाँ पर ये ख्याल रखना होता है अकॉर्डिंग टू आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट कि हमें ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या हमें इमेज डिस्टेंस है और फोकल लेंथ है हमारी, उसे हमें पॉजिटिव देना है या नेगेटिव। सिर्फ साइन का इशू होता है और उसकी बेस पे हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या स्टेटमेंट को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहले हमने देखना होता है कि फोकल जो लेंथ है उसे हम 1/f की लिखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, या -1/f लिखेंगे। तो वो लेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कन्वर्जिंग लेंस है, आपको पता है हमारा कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स। अगर आपकी स्टेटमेंट में मेंशन है कि आवर लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, या आपकी न्यूमेरिकल में मेंशन क्लियर मेंशन हो कि दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, तो आप उसको फॉर्मूला में फोकल लेंथ को पॉजिटिव रखेंगे। लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट में इस तरह का कोई हिंट या क्लू है कि आपका जो लेंस है वो डाइवर्जिंग है, तो हमें पता है कि डाइवर्जिंग हमारा कनकेव लेंस होता है। कनकेव की केस में हम फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कनकेव जो डाइवर्जिंग लेंस है वो जो इमेज फॉर्मेशन करते हैं उनको हमें रिट्रेस करना पड़ता है, और आपका जो इमेज फॉर्म होता है वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होता है, इमेजिनरी होता है, वर्चुअल होता है। तो जो जो चीज आपने ख्याल रखना है कि वो ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो या आपकी फोकल लेंथ हो, इनमें से जो चीज रियल में आएगी उन सबके साथ साइन पॉजिटिव होंगी, और जो चीज आपकी वर्चुअल में है वो उन सबके साथ साइन हम नेगेटिव करते जाएंगे। रीजन उसका ये होता है कि आपके पास ये जो आपके वर्चुअल इमेजेस होते हैं वो हमारी इमेजिनरी होते हैं, इसलिए हम उसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो साइन कन्वेंशन है वो अबाउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। पी ऑब्जेक्ट जो मैंने भी आपको शो भी किया कि लेंस के लेफ्ट साइड पे जहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस होता है वो डिस्टेंस आपका होता है इमेज डिस्टेंस। इसको पॉजिटिव हम तब रखते हैं जब ये आपका लेंस है और इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यही होता है कि हम यहाँ ऑब्जेक्ट रखें, यहाँ लेंस रखें और यहाँ से राइट साइड से उसका इमेज देखें। तो जब भी आपके लेंस के लेफ्ट साइड पे आपका प्रेजेंट होगा ऑब्जेक्ट, तो हम उसका जो साइन है फॉर्मूला के अंदर उसे पॉजिटिव रखेंगे बिकॉज वो रियल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपका लेंस यहाँ है और आपका ऑब्जेक्ट राइट साइड पे मौजूद है, तो वो उसके साथ जो साइन हम के साथ लगाएंगे वो नेगेटिव है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। जैसे टेलीस्कोप के केस में होता है कि हमारे पास कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं होता, हम डिस्टेंट स्टार्स या गैलेक्सीज को उसके थ्रू स्टडी करते हैं, तो जो उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल इमेज है वो आकर हमारी आई के ऊपर बनता है। तो इस तरह के जो इमेजेस होते हैं वो वर्चुअल में आते हैं, तो उसमें हम जो नेगेटिव साइन हम लेंगे पी के साथ। फिर उसके बाद हमें लास्ट में जो लास्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है, इट इज द इमेज डिस्टेंस। आपको पता है कि अभी बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब ये लेंस आपका, जैसे यहाँ लेंस आपका प्रेजेंट है, तो लेंस की राइट साइड पे इमेज बनता है, वो फिर इन्वर्टेड और रियल अगर बने तो वो कन्वेक्स की केस में होता है। और यहाँ पर अगर आपका इमेज राइट साइड पे बन रहा है, रियल है, इन्वर्टेड है, तो वहां पर हम अपने क्यूब का जो इमेज का जो साइन है वो पॉजिटिव लेंगे। लेकिन जैसे कनकेव के केस में होता है कि आपके लेंस के बैक साइड पे जिस तरफ ऑब्जेक्ट आप कंसिडर कर रहे होते हैं, अगर उसी लेफ्ट साइड पर ही इमेज बन रहा हो जो कि कनकेव के केस में होता है, तो वो वर्चुअल इमेज होता है। इन दैट केस हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल से खुद ये डिसाइड करना है। उस केस में फिर हम उस इमेज को, उस क्यूब को नेगेटिव ले लेंगे। मीन्स ये हमारा सिर्फ हमने ये साइन कन्वेंशन माइंड में रखनी होती है कि फॉर रियल इमेजेस, रियल ऑब्जेक्ट्स एंड कन्वर्जिंग लेंसेज, ये सारे जो पॉइंट्स हैं फॉर्मूला के अंदर ये पॉजिटिव होंगे। फॉर वर्चुअल इमेजेस, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर डाइवर्जिंग लेंस, तीनों पैरामीटर हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। और ये चीज हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए प्रैक्टिकली खुद अपनी उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होता है। तो जितना क्लियर होगा साइन कन्वेंशन आपका, लेंसेज के केस में भी होता है और मिरर के केस में भी,
जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही आप क्लियरली चीजों को मेंशन कर सकते हैं। तो दोनों में जस्ट डिफरेंस ये होता है मिरर और लेंसेज में कि आपके पास जो प्रॉपर्टीज कनकेव की हैं वो कन्वेक्स मिरर में होती हैं और जो कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज है वो कनकेव मिरर में होती है। मीन्स आपके ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं दोनों में, लेकिन बाकी बेसिक्स वही हैं इनके, जो मेन लेंस टर्मिनोलॉजी है। इसके अलावा ये जो साइन कन्वेंशन है इनमें वही हम रियल और इन्वर्टेड का ख्याल रखते हैं। आई होप आप सबको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।